तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और आज की वीडियो में आप लोगों का 6 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर आपका गद्यांश से क्लियर हो जाएगा, 6 नंबर आपका पद्यांश से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 12 नंबर इस वीडियो से आपके कवर होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि गद्यांश और पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये पेपर देख पा रहे हैं 2022 का है, 2022 का पूरा पेपर का मैं सोल्यूशन भी करा रहा हूँ। कोड है आपका 801 AB। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग नोट्स अच्छे तरीके से बनाते रहिएगा। जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, गद्यांश पद्यांश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ और इसको दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये आपका 2022 के पेपर में आया है, अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर साल यह आप लोगों का गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश से है, देखिए 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहां पे जैसे देख पा रहे हैं दो गद्यांश होता है, एक गद्यांश ये दिया रहेगा और एक आपका गद्यांश ये दिया रहेगा ख क और ख। और दोनों में से जो आपको मन करे वो आप कीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना है तो मैं दोनों आप लोगों का पूरा सलूशन बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे, तो चलिए पहले क वाला करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन औन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों का गद्यांश है। और नीचे 3 प्रश्न पूछेंगे, इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो एक प्रश्न दो दो नंबर का है तो 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है आपका कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ इसका लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, मैं छोटा करता हूँ ताकि पूरा आपको दिखे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए पहला आपका है संदर्भ। हेडिंग आपको डालना है संदर्भ, और संदर्भ हेडिंग डाल के लिखना है इसमें कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखना होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, मतलब इसको लिखे कौन है। ठीक है, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर देना है। हिंदी के गद्य खंड से लिया गया तो हिंदी को आपको हाईलाइटेड करना है, और किस नामक पाठ से निबंध से लिया गया तो मित्रता निबंध से अवतरित है, तो मित्रता को भी आप लोगों को हाईलाइट करना है। बस यही 3 चीज होता है संदर्भ में, इतना लिख देंगे तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि गद्यांश आपको क्लियर हो गया होगा कि गद्यांश गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं, तो आई होप संदर्भ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी भी गद्यांश का संदर्भ इसी प्रकार लिखा जाता है, बस आपका चैप्टर का नाम चेंज होता है और उसके राइटर चेंज होते हैं, बाकी सेम आपका इसी प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा जो है, मैं जूम करता हूं तब दिखेगा आपको, दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है गद्यांश, तो यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन किया गया है, इसी का आपको व्याख्या करना है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहां से लेके यहां तक इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, जो कि कितने नंबर के लिए होगी, 2 नंबर के लिए। तो चलिए आपको हेडिंग डालना होगा, अब छोटा करूं तब तो दिखेगा आपको। ठीक है, अब हेडिंग दूसरी देखिए, दूसरी हेडिंग आपको डालना पड़ेगा इस तरह, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद लिखना पड़ेगा आपको कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। कह रहे हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि जो बुरी संगति होती है घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस प्रकार आपको अगर घातक बुखार हो जाए जो कि आपको शरीर को हानिकारक पहुंचाती है, उसी तरह बुरी संगति भी आपको क्या करेगी, हानिकारक ही पहुंचाएगी। ठीक है, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। ठीक है, तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी जो नैतिकता है, सदाचार है, मन तथा बुद्धि को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो देखिए सिंपल है, शुक्ल जी यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार भयानक ज्वर आपके शरीर को ग्रसित कर देगा, ठीक है, आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा, कभी कभी तो जान प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति भी आपको उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी। ठीक है, आपके सदाचार को, मन को, बुद्धि को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं शुक्ल जी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी हो गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को गद्यांश बता रहा हूँ, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो
तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। अब याद क्या करना है, सिंपल समझना है और आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो 4 नंबर तो तैयार हो गया, एक लास्ट प्रश्न और है, इसका उत्तर देंगे हम लोग। थोड़ा बड़ा करूं ताकि आपको दिखे। क्या है कि उपयुक्त गद्यांश में जो युवा पुरुष की संगति के संबंध में जो लेखक के क्या बताया करा कि गद्यांश में जो युवा पुरुष की संगति के बारे में लेखक ने क्या बताया है, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर के लिए प्रश्न है, तो इसके लिए यहां पे उत्तर है, दिख रहा है आपको ना। चलिए क्या है तीसरा कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे औन्नति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। कह रहा है कि कवि जी कह रहे हैं, शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो युवा पुरुष की अगर बुरी संगति होगी तो भाई उसे औन्नति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, यदि उसकी अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। तो यही आपके कवि युवा पुरुष की संगति के बारे में बताया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये गद्यांश पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और ये गद्यांश कितने नंबर का था, 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर टोटल, 6 नंबर आपको क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये कर लीजिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये ख ऑप्शन है, ख कर लीजिए। दो देता है, दोनों में से कोई एक करना होता है, तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो याद ही होगा। अगर मैं दोनों बता देता हूं तो कोई ना कोई एक आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या है, थोड़ा बड़ा करूं ताकि आपको दिखे अच्छे से पढ़ने में। देखिए दूसरा यह है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां खंभों पर हमारी मूर्तें व्यस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं, और तब उनकी जो जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले फलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। ये आपका गद्यांश है और गद्यांश के नीचे यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे गए हैं और एक प्रश्न 2-2 नंबर का, ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे। चलिए सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे ना, तो चलिए हेडिंग डालिए संदर्भ। तो संदर्भ में क्या होगा कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान कौन, श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से क्या है, उद्धृत है। तो सिंपल हमने बताया कि संदर्भ में क्या लिखना होता है कि हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है, श्री भगवत शरण उपाध्याय लिखे हैं इनको, और अजंता शीर्षक निबंध से क्या है, उद्धृत है, ठीक है। बस यही पॉइंट लिखना होता है, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अरे यहाँ पे ये वाला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए कहां तक रेखांकित अंश है, यहां तक, जहां तक अंडरलाइन किया है वहीं तक आपको व्याख्या करना है, पूरा नहीं करना है। तो कहां तक है कि भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई, मतलब यहां से लेके यहां तक आपको व्याख्या करना है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको हेडिंग डालना पड़ेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे मैं यहाँ पे डाला हूं, क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में जो लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। उन्होंने कह रहा है कि जो लेखक है कह रहे हैं कि जो गुफा की भीतरी दीवार है उसे मतलब बहुत अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ कर क्या कर लिया गया, चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात मतलब उसके बाद चिकना बनाने के बाद उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो, ठीक है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लेखक ये कह रहे हैं कि कोई गुफा है, गुफा की भीतरी दीवारों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रगड़कर चिकना कर दिया गया, चिकना करने के बाद चित्रकारों के द्वारा एक अलग अलग अनेक अनेक चित्र बनाए गए जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो, ठीक है। मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या यही है। आई होप क्लियर हो गया, 2 नंबर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसे जरूर नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का गद्यांश में आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिये तीसरा प्रश्न यह है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यह भी 2 नंबर का है, तो चलिए देखते हैं कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। तो चलिए तीसरा पॉइंट यहां पे, तीसरा पॉइंट आप डालिए और यहां पे लिखना स्टार्ट कीजिए। तीसरा यह है कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, कह रहा कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया
और दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए। चित्रों में रंग भरा गया। इस प्रकार पहाड़ों को क्या बनाया गया? जीवंत बना दिया गया। तो पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया? तो पहाड़ों को पहले काटा गया, फिर भवन का रूप दे दिया गया उसको। छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए। चित्रों में रंग भर दिया गया। इस प्रकार पहाड़ों को क्या बनाया गया? जीवंत बनाया गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने गद्यांश, दोनों गद्यांश आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। और 6 नंबर क्या होता है? 6 नंबर क्या है? ठीक है, 12 नंबर क्लियर हो गया। हालांकि दोनों में से एक ही करना होगा। तो दोनों अगर आपको आ रहा है तो 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर 100% इसमें से दोनों में से कोई एक आएगा, आराम से कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तीसरा प्रश्न अगले वीडियो में हम मिलेंगे यहाँ पे पद्यांश को लेकर। इन दोनों पद्यांशों को अच्छे से हम लोग देखेंगे। इसी प्रकार पूरा का पूरा पेपर हम लोग सोल्यूशन अच्छे तरीके से करेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कराएंगे और चैप्टर वाइज भी हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं।